स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बताने वाले हैं स्प्रिंग मोल्डिंग के बारे में। स्प्रिंग मोल्डिंग क्या है इस वीडियो में हम बताएंगे, और ये जो दो पीस देख रहे हैं इसी दो पीस में हम बना के आपको पूरा दिखाएंगे। तो मेरा नाम है अशरफ और आप देख रहे हैं रौनक स्टार मार्बल यूट्यूब चैनल। तो चलिए रौनक स्टार बढ़ाएं अपनी घर की रौनक। तो फ्रेंड ये हम मोल्डिंग कर रहे हैं, किस तरह से इसको दोनों को मोल्डिंग करेंगे वो मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो ये जो बड़ा वाला पीस है यानी चौड़ा पीस है इसको हम फुल मोल्डिंग करेंगे, यानी दोनों साइड से फुल मोल्डिंग करेंगे। हाफ हाफ राउंड दोनों साइड होगा, जैसा कि देख रहे हैं इधर से भी पलट के हम पूरा फुल मोल्डिंग करेंगे। और एक का होगा फुल मोल्डिंग और एक होगा हाफ मोल्डिंग, यानी वन साइड राउंड करना है हाफ। तो इसको आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं वो मैं बता दूं। आप पिलर में यूज कर सकते हैं, सीढ़ी में यूज कर सकते हैं, आप स्कटिंग में यूज नहीं कर सकते क्योंकि स्कटिंग में यूज कीजिएगा तो स्कटिंग के ऊपर जो मोल्डिंग होता है वो सिंगल होता है, अगर इसको दीजिएगा तो ज़्यादा बाहर निकल जाएगा। इसको आप पिलर में सीढ़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप टाली लगाएं, टाली के ऊपर एक दो मोल्डिंग देना चाहते हैं तो उसके टाइल्स के टॉप के ऊपर आप दे सकते हैं। लेकिन आज जो मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूं वो सीढ़ी के ऊपर हम बना के दिखाएंगे। तो पूरा हम नहीं बना रहे हैं, सिर्फ ये डेमो हम बताने के लिए आप लोगों को ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं। ये भी एक मोल्डिंग का डिज़ाइन है, स्प्रिंग मोल्डिंग डिज़ाइन। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। फ्रेंड आप देख सकते हैं ये जो चौड़ा वाला पीस था उसको हमने फुल मोल्डिंग किया, और इसका कैसा लुक है आप देख सकते हैं। दोनों साइड से फुल राउंड किए हैं, फुल मोल्डिंग जिसको कहा जाता है, और किस तरह से लगाना है वो देखिए। इसका जो हमने किया था वो हाफ राउंड किया था। तो इस तरह से दो सूता पीछे रख के आपको इसको पेस्टिंग कर देना है। लेकिन जब सीढ़ी में आप लगाइएगा तो जिसमें हाफ मोल्डिंग रहेगा जो नीचे रहेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.5 इंची उसको चौड़ा दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ये डेमो हम सिर्फ दिखाने के लिए आपको बना रहे हैं, लेकिन इसको आप 1.5 इंची ही देना है नीचे वाला जो हाफ मोल्डिंग रहेगा। और आप देख सकते हैं किस तरह से इसका सेटिंग करना है। तो एक ग्रीन पॉलिश का हमने लिया है डेमो दिखाने के लिए। इसको आप समझ जाइए कि स्टेयर केस का जो होता है, सीढ़ी का रेजर जो होता है, तो इस तरह से आप अगर फुल मोल्डिंग वाला लगाते हैं तो सिंगल इस तरह से आप लगाते हैं, और ये जो लगेगा वो किस तरह से लगेगा वो अभी आप देखिए। तो आपको ये जो हाफ राउंड वाला है इसको आपको 1.5 इंची या 1.25 इंची रखना है, ज़्यादा चौड़ा नहीं रखना है। और इस तरह से जो मोल्डिंग है वो नीचे रहेगा, और किस तरह से इसको पूरा फिटिंग करना है वो देखिए।
इस तरह से आपको आगे स्टेप्स जो आप कटिंग करेंगे उसमें इसको आपको पेस्टिंग कर देना है एरोलाइट वगैरह से। पेस्टिंग पूरा करने के बाद इस तरह से ये लगेगा। तो जब पेस्टिंग कीजिएगा तो सिर्फ मोल्डिंग ही ऊपर वाला का दिखना चाहिए, बस ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा आप अंदर कर दीजिएगा तो लगाने के टाइम में ज़्यादा बाहर निकल जाएगा तो देखने में ख़राब लगेगा। जिससे कि आप देख सकते हैं ये वीडियो में किस तरह से हमने स्टेयर केस के लिए बनाया है। ये सिर्फ डेमो हम आप लोगों को बताने के लिए बनाया था कि आप इस तरह से भी मतलब मोल्डिंग आप बना सकते हैं, और बहुत ही इसका प्यारा लुक आता है स्टेयर केस में अगर आप बनाते हैं। पिलर का टॉप में भी आप ये बना सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।